सूर्य वंशम का ये जो हीरा को घर से निकालता है, तुम्हारा हिस्सा चले और जा जा उधर से निकल जा रहा था। तुम इस कौन का सबसे बदनाम खतरा हो, ऐसे हवेली का सबसे बेकार हिस्सा, और तुमसे भी बेकार है लड़की, यहाँ कोई नहीं है। तुम बोले तो किसी ने सूरत भी देख ली, तो ये हाल बताओ उसकी सख्ती। बच्चन साहब की एक दीवार फिल्म की रचना मेरे फेवरेट है, मैं इसीलिए बार बार नहीं कहता। तो बच्चन साहब की दीवार फिल्म का है, जो मंदिर में जाते हैं अपनी माँ की प्रार्थना के लिए, उनकी माँ बीमार रहती है। सीरियस डायलॉग है थोड़ा, बस एक और खुश तो बहुत हो गए तुम, और खुश हो गए कि मैं हार गया। जिस इंसान ने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिस इंसान ने आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा हुआ। आज खुश तो बहुत हो गया, आज खुश हो गया कि मैं हार गया, लेकिन जिस वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, वो औरत जिसके जुल्म बढ़े और उसकी पूजा बढ़ी, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारे मंदिर का चौखट घिस गया, वो औरत जो जिंदगी में जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में, जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी है, और ये तुम्हारी हार है, ये तुम्हारी हार है। कौन सा जुर्म, कौन सा पाप किया था उसने? क्या उसका जुर्म यह था कि वो मेरी माँ है? क्या उसका जुर्म यह था कि उसने मुझे जन्म दिया? ये जीते जी मेरा बाप मर गया, लेकिन मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं। मेरे गुनाहों की सजा मेरी माँ को मत दीजिए भगवान, मेरे गुनाहों की सजा मेरी माँ को मत दीजिए। प्रेस रावल के लास्ट कर दूं प्लीज आप लोग से। प्रेस रावल जी फिर हेरा फेरी का नोटबंदी का मैडम, नोटबंदी के वक्त मैंने एक कहानी 2 मिनट की बनाई थी, तो उसका सुना दूं बस ऐसे इमेजिन के लिए। नोटबंदी के बाद बॉलीवुड की सारी हस्तियां एटीएम के बाहर लाइन में लगी हुई थी, उसी में किसी ने नाना पाटेकर का बटुआ मार दिया। नाना भाई मेरे साथ ऐसी हरकत करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं, काट के फेंकूंगा, जलिया वाला बात बना दूंगा इधर। तो बच्चन साहब वाले अरे साहब देखिए भैया क्या हुआ, और बहुत ज्यादा गरम हो रहा है भाई साहब, देखिए थोड़ा सा शांत हो जाइए भाई साहब, थोड़ा नरमी से बात करते हैं। आप बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, बताइए भाई साहब बात क्या है? अब देखिए थोड़ा सा रुपया जला दिया गया है, तो तुम्हारा एटीएम में लगता है रुपया निकाल लेके मार है। आप थोड़ा नरमे से बात कीजिए, देखिए आप समझ रहे हो आपको। बच्चे साहब ऐसी रेट नहीं है, मेरे खाते में सिर्फ 3000 रुपए थे, 4 दिन से मैं प्लेट देने के ऐसे रुपया निकाला था, किसी ने रुपया मार दिया, अब बताइए मैं क्या करूं? अरे देखिए 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 भाई साहब देखिए, ये रुपये यही बात है। देखिए मैं बताता हूँ, ये बाजू में राजकुमार साहब आया है, मैं ऐसा नहीं कहता कि ये आपका रुपया चुराया होगा, लेकिन हाँ ये पहले आंखों से शर्मा वगैरह चुराया करते थे, रुपया चुरा लिया भाई साहब, लेके माचा मैं ऐसा नहीं कहता कि चुराया हुआ। वाह बे, तुम इस लंबू के चक्कर में हम पर शक कर। पहली बात मैं वागले नहीं जाना पाते कर रहा हूँ, तुम क्या सलासी देने की जुबान मुंह सीधा कर दूंगा तेरा। वागले हमारे मर्जी के बगैर परिंदा पर भी नहीं मारता, और तुम्हारी क्या हैसियत जो हमारी तलाश लोगे, काले कौवे कहेंगे। इसको बोला वो भी काला, मेरी माँ मुझे चांद का टुकड़ा बुलाती है, लेकिन चांद में दाग भी होता है कौवे, और वो दाग तुम हो। ये सब हो रहा था वहां के थाना इंस्पेक्टर संजय दत्त के एरिया में। अब संजय अबे तेरे में से नाना कौन है? अरे तेरे को कितनी बार बोला हूं? ए 3-5 नहीं करने का क्या? ज्यादा साढ़ा किया ना 5 का 2.5 बना देगा। और तेरे को, अरे लंबू तेरे इस बात कर रहा है, तेरे को तेरे एरिया में आके ठोकेगा साला, तू जानता नहीं क्या। बस थैंक यू।